पहली जो चेंज की थी रॉबर्ट इच विटकर की क्लासिफिकेशन में, मोनेरा चेंज इनटू प्रोकैरियोटिक। और दूसरी चेंज देखें, प्रोटिस्टा जो प्रोटिस्टा किंगडम था, इट बिकम चेंज इनटू प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटिस्टा चेंज इनटू प्रोटोक्टिस्टा, प्रोटिस्टा चेंज इनटू प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा और प्रोटिस्टा में बेटा फर्क है, क्या फर्क है? इधर हम आते हैं, इस जगह पे हम आते हैं, तो इस जगह पे हम लिखेंगे अब के जो बेटा किंगडम प्रोटोक्टिस्टा बनाया गया है। कौन सा किंगडम बनाया गया है? किंगडम प्रोटोक्टिस्टा बनाया गया है। इसके अंदर क्या रखे गए हैं? ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, तमाम यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स इसके अंदर रखे गए हैं, और कुछ मल्टी सेल्यूलर भी रखे गए हैं। वो मल्टी सेल्यूलर जो किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम फंजाई के साथ रॉबर्ट एच विटकर ने रखे थे, मगर वो 100% उनके साथ जो है रिजेंबल नहीं करते। दोज ऑर्गेनिजम्स दैट के नॉट फर्दर क्लासिफाइड एज ए प्लांट्स, फंजाई या फंगस एंड एनिमल्स शुड प्लेस्ड इन दिस किंगडम। दोबारा सुन लें, दोबारा सुन लें, समझने की कोशिश करें। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में तमाम यूनिसेलुलर रखे गए हैं, यूकारियोट्स यूनिसेलुलर तमाम के तमाम। ऑल यूनिसेलुलर यूकारियोट्स आर प्लेस्ड हियर। और उसके बाद इवन इतने तक के यीस्ट को भी इसमें रखा गया है। हमारी किताब ने इस जगह पे नहीं लिखा, मगर आगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर क्लियर लिखा है इन्होंने कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यीस्ट भी रखे गए। और 9th की बुक में अगर चैप्टर नंबर 3 में आप जाएं तो वहां पे भी आपको ये चीज मिलेगी कि यीस्ट आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। मगर इस जगह पे अभी भी मिस्टेक में किंगडम फंजाई के अंदर आपके फर्स्ट पेज पे दिए गए हैं, जो थोड़ी सी मिस्टेक है इसके अंदर। आगे फिर सही किया इन्होंने, ऑल आर यूनिसेलुलर, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड हियर। दोज ऑर्गेनिजम्स दैट के नॉट फर्दर क्लासिफाइड इज प्लांट्स, फंगस, एनिमल्स शुड बी प्लेस्ड इज इन दिस ग्रुप। तो वो तमाम जानदार जो किंगडम फंजाई के अंदर रखे गए थे, किंगडम प्लांटी के अंदर रखे गए थे, किंगडम एनिमिलिया के अंदर रखे गए थे, और वो 100% प्लांट्स, एनिमल और फंगस से रिजेंबल नहीं करते, दैट शुड बी प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया बेटा, किंगडम फंजाई को जो है, सॉरी किंगडम प्रोटोक्टिस्टा जो है, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। किंगडम फंजाई को, सॉरी इसके फिर टाइप्स हैं, आर वी कैन से इसको ग्रुप किया गया है। किसको? प्रोटोक्टिस्टा को, प्रोटोक्टिस्टा को। प्रोटोक्टिस्टा के 3 ग्रुप्स हैं। एक है बेटा प्लांट लाइक, प्लांट लाइक कौन से हो सकते हैं? प्लांट सबर्डिसेंडर लाइक जी प्रोटोक्टिस्टेंस, प्लांट्स नहीं है ये, दीज आर नॉट प्लांट्स, दीज आर प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टेंस। मीन्स दे आर नॉट 100% प्लांट लाइक, दे आर मीन्स नॉट मीन्स 100% या टोटली प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर जो जानदार रखे गए हैं वो कौन से हैं? अल्जी या अलगा वाले जानदार हैं। कौन से जानदार हैं? अल्जी वाले। अल्जी वाले जानदार बेटा प्लांट से अलग हैं। क्यों अलग हैं? डिफरेंट कैरेक्टर्स क्या हैं इनके? डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स क्या है इनके पास? प्लांट्स और इनमें डिफरेंस क्या है? अल्जी कुछ यूनिसेलुलर है, फ्यू आर यूनिसेलुलर
सेल्यूलर अल्जी, जबकि प्लांट्स आल आर मल्टी सेल्यूलर। और दूसरी चीज बेटा, दीज आर एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक। सुना है एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक? एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक का मतलब क्या है कि दे आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन वाटर, कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द वाटर, व्हाइल प्लांट्स कैन सर्वाइव आउटसाइड द वाटर ऑन द टेरेस्ट्रियल मीडियम। दोबारा सुन लें, किंगडम प्रोटोस्टा में तमाम यूनिसेलुलर और वो मल्टी सेलुलर या वो दूसरे जानदार जो दिखने में प्लांट जैसे हैं, दिखने में एनिमल जैसे हैं, दिखने फंगस जैसे हैं, बट दे आर नॉट फंगस प्लांट इन एनिमल बिकॉज दे हैव फ्यू चेंज्ड थिंग्स इन द प्लांट फंगस एंड एनिमल्स। तो वो तमाम जानदार किस ग्रुप में रखे जाएंगे, किस ग्रुप में रखे जाएंगे बेटा? किंगडम प्रोटोस्टा में। एक रखे गए हैं जो प्लांट लाइक, जो करेक्टर प्लांट से डिफरेंट करेक्टर्स वाले जानदार हैं। आप नंबर भी दे सकते हैं इनको, मैं इस जगह पे नंबर दे रहा हूं। इसमें एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक हैं। एक और चीज भी आती है इनमें, प्लांट और अल्जी में एक और चीज है बेटा, वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ये हैं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इनमें। दोबारा देख लें, प्लांट्स और अल्जी में क्या फर्क है? प्लांट्स जो हैं बेटा मल्टी सेलुलर होते हैं, सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि अल्जी कुछ यूनिसेलुलर हैं। और दूसरी चीज है कि प्लांट खुश्की पे रहते हैं, ज्यादातर उनके पास जड़ें रूट्स होती हैं, और जबकि अल्जी पानी के अलावा रह भी नहीं सकता, पानी के बाहर सर्वाइव ही नहीं कर सकता, पानी के बगैर रह नहीं सकता। इस वजह से हम कहते हैं कि एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक, एक्वाटिक मीन्स पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मीन्स खुश्की पे रहते हैं। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है कि जिंदगी की दो स्टेजेस होते हैं इनकी, और दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। आइसो मीन्स सेम, मार्फा मीन्स शेप, मीन्स सिमिलर शेप्स होती हैं, जबकि प्लांट की सिमिलर शेप्स नहीं होती, डिफरेंट शेप्स होती हैं, उनको हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। और प्लांट से डिफरेंट करेक्टर्स कौन से हैं? ये हैं डिफरेंट करेक्टर्स जो हैं, ये क्या है बेटे, इनके डिफरेंट करेक्टर्स हैं। और सिमिलर करेक्टर्स कौन से हैं इसके, कोई बता सकता है? सिमिलरिटी की बात करें तो दे आर ऑटोट्रॉफिक, गुड वेरी गुड। और बताएं? दे आर क्लोरोफिलस, दे आर फोटोसिंथेटिक, दैट्स व्हाई क्लोरोफिलस, गुड। और बताएं? फोटोसिंथेटिक सर, सेल वॉल। और बताएं? सेल वॉल प्रेजेंट सर। बोथ आर यूकैरियोटिक्स, बोथ आर यूकैरियोट्स हैं। वो तो फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मगर जो सिर्फ पर्टिकुलरली प्लांट के साथ रिजेंबल करें, क्योंकि यूकैरियोटिया पूरा ग्रुप है इनका। तो फ्यू आर यूनिसेलुलर हैं, एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक हैं, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इस वजह से ये प्लांट से धकेले गए। किंगडम प्लांट से इनको निकाल कर किंगडम प्रोटोस्टा के अंदर रखा गया है। बेटा प्रोटोस्टा को हम एक और नाम भी देते हैं, रेगबेग। क्या कहते हैं इसके लिए हम? रेगबेग कहते हैं इसको हम। आर वी कैन सी वेस्ट बिन, एक मिनट, आर ऑल्सो नोन एज स्टोर रूम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। दिस इज फॉर द किंगडम प्रोटोस्टा, दीज आर द अदर नेम्स। किंगडम प्रोटोस्टा क्योंकि स्टोर रूम है, किंगडम प्रोटोस्टा जो है इसके अंदर वो तमाम जानदार जो किचरा हैं, कचरा हैं, या दूसरे किंगडम के अंदर रिजेंबल नहीं कर सकते, दैट शुड बी प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटोस्टा। तो ऐसे तमाम यूकैरियोट्स
जो फंगस के साथ 100% रिसेंबल नहीं करें, प्लांट के साथ 100% रिसेंबल नहीं करें, एनिमल के साथ 100% रिसेंबल नहीं करें, दैट शुड बी प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। दिस इज द वेस्ट बिन, स्टोर रूम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गया जी सर? यस सर। मिटा दूं ये? यस सर। अब बेटा हमें इस जगह पे कुछ और चीजें डिस्कस करनी है, मैं इनको मिटा रहा हूं, आप देखें इनको। क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब हमारे किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में, कि किंगडम प्रोटोक्टिस्टा जो है इसमें दूसरा ग्रुप भी रखा गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? सेकंड ग्रुप की तरफ हम आते हैं। मैंने पहला ग्रुप आपको बताया था, पहला ग्रुप कौन सा बताया था? प्लांट लाइक। प्लांट लाइक। दूसरा कौन सा है बेटा? फंगस लाइक। एनिमल लाइक। एनिमल लाइक भी है बिल्कुल, मगर हम आते हैं फंगस लाइक प्रोटोक्टिस्टंस के ऊपर। आप इसके लिए आप याद रखेंगे कि बेटा ये किंगडम फंजाई में रखे गए थे, किंगडम फंजाई में रखे गए थे रॉबर्ट एच विटकर के क्लासिफिकेशन में। रॉबर्ट एच विटकर ने गलती में इन जानदारों को किंगडम फंजाई के अंदर रखा था, मगर किंगडम फंजाई के अंदर कौन से जानदार रखे गए थे? एक तो यीस्ट आ जाता है और दूसरा जो है हमारे पास स्लाइम मोल्ड आ जाता है, और दूसरा आ जाता है बेटा वाटर मोल्ड। ये तीन जानदार जो हैं ये कॉमन है, जो आपको चैप्टर नंबर 7 में तो वो आ जाएगा। अब हम इसकी तरफ हम आए तो यीस्ट तो यूनिसेलुलर है, इस वजह से तो यूनिसेलुलर सब इधर के इधर ही रखने हैं। यीस्ट को इधर क्यों रखा गया है? बिकॉज दिस इज यूनिसेलुलर इन नेचर। जबकि कुछ जानदार जो हैं इस जगह पे कौन से हैं? मल्टी सेलुलर भी हैं। क्योंकि हमने पहले कहा कि किंगडम फंजाई वाले जानदार जो हैं उनमें कुछ मिस्टेक्स थी, रॉबर्ट एच विटकर ने की थी, वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। यीस्ट को किंगडम फंजाई के अंदर रखा था उसके रिप्रोडक्शन के बेस पे, स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स को इतना क्लियर कट में उसको पता नहीं चला था, तो इस वजह से। तो जो फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स थे बेटा, यूनिसेलुलर तो बिल्कुल फंगस जैसा ही था, मगर एक सेल वाला होने की वजह से वो बेचारा धकेला गया है, किक किया गया है। जो स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड है इनको किंगडम फंजाई से क्यों निकाला गया? किंगडम फंजाई के साथ डिससिमिलरिटीज क्या है देखते जाएं, डिससिमिलरिटीज क्या है, क्योंकि ये आपसे बार बार पूछा जाएगा। बेटा आप याद रखें कि आपके जहन में ये चीजें होंगी तब आपका बायो का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि 5 चैप्टर आपके किंगडम सिस्टम के ऊपर हैं, 6, 7, 8, 9, 10। ये चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सेम चीजें वहां पे आप डिस्कस करेंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको बायो समझ में आएगी या समझने में भी आसानी होगी। डिससिमिलरिटीज क्या है किंगडम फंजाई के साथ? डिससिमिलरिटीज क्या है बेटा किंगडम फंजाई के साथ? एक जो डिससिमिलरिटीज है, नंबर 1 पे अगर हम आए, जो पहली डिससिमिलरिटी है वो ये है कि किंगडम फंजाई की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? काइटिन। काइटिन की, इनकी सेल वॉल की बनी हुई है, इनकी सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किस चीज की बनी हुई है? सेल्यूलोज की। और डिससिमिलरिटी जो है सेल के अंदर एक चीज होती है बेटा सेंट्रीओल, सेंट्रीओल जो किंगडम फंजाई के तमाम जानदारों के अंदर एब्सेंट है, जबकि इनमें वो प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इनके अंदर? सेंट्रीओल। सेंट्रीओल ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। क्लियर? किंगडम फंजाई वाले जानदार जो हैं
उनमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, जबकि इनको जब स्टडी किया गया तो इनकी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं थी, मेड अप ऑफ सेलुलोज सॉरी उनकी चाइटिन की थी, इनकी सेलुलोज की बनी हुई है। और किंगडम फंजाई के जानदार उनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, जबकि इनके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट थे। डिसिमिलरिटीज हैं, ये किसकी डिसिमिलरिटीज हैं? फंगस लाइक प्रोटोक्टिस्टन्स की। और सिमिलरिटीज क्या है बेटा इनमें? नॉन फोटोसिंथेटिक। गुड, सिमिलरिटीज इनकी ये हैं कि सेम दीज आर एब्जॉर्बटिव। सर ये जो फंगस लाइक प्रोटोक्टिस्टन्स थे ये कौन से किंगडम में थे? किंगडम फंजाई में थे, अब किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में आई है। फंगस लाइक प्रोटोक्टिस्टन्स, प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टन्स, एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टन्स ऑल आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। ओके, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं बेटा ये। सर माइसीलियम बॉडी। हाँ वो भी आ रहे हैं, मगर ये इसको मैं नंबर दे दूं ताकि आसानी रहे समझने में आपको। हेटरोट्रॉफ हैं, और उसके बाद जो है इनमें हैफी बॉडी के अंदर पाई जाती है, और इनके अंदर बेटा माइसीलियम होता है इनकी बॉडी में, और इनकी बॉडी सिमिलरली थेलस बॉडी होती है। तो तमाम करेक्टर्स जो हैं किंगडम फंजाई जैसे हैं, तमाम करेक्टर्स जो दिखने में किंगडम फंजाई जैसे हैं, मगर जब उनको सेल के बेस पे स्टडी किया गया तो किंगडम फंजाई के जानदार जो हैं उनसे ये डिफरेंट थे। तो किंगडम फंजाई और इन जानदारों में ये मेन डिफरेंस है, तो ये याद रखेंगे आप, क्योंकि किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में कुछ यूनिसेलुलर, सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स और मल्टी सेलुलर वो जानदार जो किंगडम फंजाई प्लांटी एनिमल, या हम कहते हैं कि दोज ऑर्गेनिजम्स के नॉट फर्दर क्लासिफाइड एज प्लांट एनिमल फंगस दैट ऑल शुड बी प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। क्लियर हो गया? तीसरी कैटेगरी बता दूंगा आपको एनिमल लाइक जो है। सर भले ही वो मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, अगर वो एनिमल प्लांट मल्टी सेलुलर हो, वो तमाम जानदार जो किंगडम फंजाई प्लांटी एनिमलिया में दिखने जैसे भले हों, केमिकल कंपोजिशन स्ट्रक्चर किसी न किसी चीज पे कोई डिफरेंस हो, तो उनको हम किंगडम फंजाई से प्लांटी से एनिमलिया से निकालकर हम प्रोटोक्टिस्टा में रखते हैं, मगर दैट शुड बी लिविंग। बच्चे कहते हैं सर वायरस पर हम इधर क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि वायरस इज नॉट लिविंग, वायरस डू नॉट फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ लिविंग सिस्टम, दैट इज सेल थ्योरी। मिटा दूं? यस सर। बेटा अब जो तीसरी कंडीशन है, जी बेटा पूछें। तशफीन जो है पूछें, क्वेश्चन पूछें, टाइम वेस्ट नहीं करें, जल्दी करें। सर जी जी सर, फंगस लाइक प्रोटोस्टिस्टम में ईस्ट जो है वो ही यूनिसेल्यूलर है, बाकी सारे फंगस मल्टी सेल्यूलर है। मल्टी सेल्यूलर है माइस, हाँ मल्टी सेल्यूलर है, मगर वो पहले थे, अब जो है इन्होंने खत्म कर दिया इसको। अब जो है किंगडम फंजाई के अंदर भी तमाम मल्टी सेलुलर हैं, किंगडम प्लांटी के अंदर तमाम मल्टी सेलुलर हैं, किंगडम एनिमलिया के अंदर तमाम मल्टी सेलुलर हैं। माइसीलियम फंगस की पूरी बॉडी को कहा जाता है, होल बॉडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइसीलियम, और फंगस के एक एक पार्ट को हम नाम देते हैं कि यह हैफी है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ फंगस इज नोन एज अ हैफी, और फंगस के हर पार्ट को हाइफी कहा जाता है, तमाम हाइफी मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। लास्ट हम आए, हमारे पास दो तीन मिनट हैं, तो मैं इस किंगडम को तो वाइंड अप कर दूं। सर अटेंडेंस हो गई? अटेंडेंस ले लें बेटा आप, महक लेती है मेरे ख्याल में, अटेंडेंस ले लें आप। जी सर, जी सर ले रही हूं। या कोई और भी लेती है तो वो भी ले लें, क्योंकि दोनों ले लिया करें, जब किसी में से भी एक में से मेरे पास आ जाती है तो मैं भेज देता हूँ। तो दो लें क्लास में, दोनों लें। ओके सर। और नंबर थर्ड कैटेगरी है ये, वो है बेटा अब हम आते हैं एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टन्स में। एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टन्स में, एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टन्स जो हैं
उनके अंदर एनिमल जैसे जानदार रखे गए, मगर फर्क क्या है कि एनिमल और इनमें कोई फर्क नहीं है, जस्ट दीज आर यूनिसेलुलर, ऑल यूनिसेलुलर एनिमल लाइक सेल पजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर। और वो कौन से जानदार हैं बेटा जो इसके अंदर रखे गए हैं, अगर आप एग्जांपल देना चाहें? प्रोटोजोआ। वेरी गुड, सारे प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, सारे प्रोटोजोआ वाले जानदार आ गए। अब वो प्रोटोजोआ वाले जानदार कौन से हैं? वन इज द एमेबा, यूक्लिना, पैरामीशियम। नो अबाउट द पादरीशम, पैरामीशियम, एंड अदर वन इज युग्लिना, एंड नेक्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम, पेनिसिलिन। ऑल आर प्लेस हियर। तो तमाम के तमाम जानदार दिखने में किंगडम फंजाई एनिमल जैसे ही हैं, जानदार एनिमल जैसे ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, जैसे एनिमल हैं वैसे ही हैं। एनिमल और प्रोटोजोन्स के सेल में कोई फर्क नहीं है, फर्क यह है कि एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर है। ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर व्हाइल दीज आर यूनिसेलुलर, दैट्स व्हाई दैट आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटोकिस्टा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेलुलर नेचर। अगर फिगर बनाना चाहें तो आप फिगर भी बना सकते हैं इसकी, युग्लिना और इनकी।